नमस्कार, राम राम, जयराम जी की। हरियाणा का नंबर एक सब एनडी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा देखनी है, देश दुनिया के सारे दर्शकों ने राम राम। मैं सुरवी जांगड़ा और तो हम देखो हमारा खास प्रोग्राम हरियाणा की पंचायत। और भाई हरियाणा की पंचायत आज सदी से सोनीपत में खापा का जो इलाका से पूरा और खाप के कई चौधरी मेरे दौरे से हैं। और आज बात करांगे हम करनाल के मुद्दे पे। करनाल में जिस तरह एक छोरा छोरी का मामला सामने आया था, एक गांव के छोरा छोरी ने जो जानकारी मिली से ब्याह कराया था, उसके बाद पंचायत में जो है एक जो पूर्व सरपंच था पंचायत में बुला के उनका मुंह भी काला कराया गया, जूतियां की माला भी पराई, पिटाई भी करी, धुनाई भी करी और गांव में घुमाया गया। और ये वो लापता है, उनका बेरा नहीं कड़े है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन की बात करने लग रही है। खाप पंचायती के कम ऐसे हैं, खाप चौधरी के कम ऐसे हैं, अरे खाप 360 की चाहे बात करा, अशोक खत्री जी मारे गेल से हैं, दूसरे घने सारे लोग से देख सको, ये मडासा ने ये अपने पगड़ी वाले चौधरी सारे के सारे, इनसे बात करांगे कितना सही से इस तरह जो काम करना। और एक फरमान भी सुनाया गया है गांव का बहिष्कार का। तो भाई मुंह तो आपस में बिगड़े से, आंख तो बिगड़े से। तो प्रधान जी सब, तो पहले आप तो बात करूंगा मैं, के कहोगे इंडिया न्यूज हरियाणा पर पंचायत में लगातार जो है इस डाल के मुद्दे हम उठावा से, आज हमने मुद्दा उठाया से करनाल का, के कहोगे? वैसे मैं धन्यवाद करूंगा इंडिया न्यूज का कि समय समय पर आप ये मुद्दे उठाते, बहुत अच्छा बात है। जहां तक करनाल वाली बात है, कानूनन बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह के खाप या कोई पंचायत इस तरह का कोई भी आदेश नहीं कर सकती, हमारे साथ राजीव एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, हमारी खाप 360 के एडवाइजर हैं, सब कुछ है। देखिए, कानून हाथ में लेना किसी का वो नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई आप इस तरह के काम ना करो, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे ही सोनीपत में कितने लोग, कितनी ही बहनें आत्महत्या कर रही हैं। क्या है कि प्रेम की आड़ में वह विचार होता है, बहनों को फुसलाया जाता है, उसका एक विवाहित पति विवाहित पत्नी अवैध संबंध बनाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, शर्माते क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सामाजिक रूप से मैं ये कहता हूं कि ये पड़ताड़ना बिल्कुल गलत है। हमारी खाप पंचायतों ने ये खुला कर रखा है, हमारी 360 गांव जितने भी होते हैं, पुरानी जिला परिषद इसको कह सकते हो आप, इसने भी पहले एक बार पंचायत करके कह रखा आप किसी भी जाति में भी विवाह कर सकते हो और होते भी हैं। कहीं ना कहीं जो हम बैठते हैं, जब समाज में ताना बाना जुड़ता है, मान लो एक 50 साल का आदमी एक 17 साल की लड़की को जब बहलाता फुसलाता है और वो बेचारी कहीं नहीं बोलती, तो वो कहाँ जाए, उसके माँ बाप कहाँ जाए, वो आत्महत्या कर लेती है बजाय कानून। मैं तो सबको ये कहूंगा कि कानून का सहारा ले, कानून अपने हाथ में पंचायत ना ले, कोई भी भाई हो अपने हाथ में पंचायत ना ले। हाँ, पंचायत को ये करना चाहिए 10 आदमी इकट्ठे होके भाई थाने में जाएं कि भाई इस इन्होंने ये गलत काम किया, इससे हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो रहा है, तो ये काम समाज को करना जी। आप तो आऊंगा, दोबारा मैं आऊंगा, मैं जी आप तो बात करूंगा, आपके मानो इसी मामले जब आवे से सामने है के मानो। देखिए, मैं इंदर सिंह कटारिया, प्रधान पचगामा और प्रधान नगर निगम संघर्ष समिति। जैसा खबरों के माध्यम से पता चला है कि भाई इस तरह का करनाल के गांव में मामला सामने आया है और पंचायत ने उसको उनको जूते वगैरह मारे हैं, प्रताड़ना किया है, तो कानूनी हिसाब से तो ये गलत है। लेकिन अगर समाज के हिसाब से देखें तो एक ही गोत्र, एक ही गांव, तो हमारे जो संस्कार हैं वो अभी इजाज़त नहीं देते, जो पुराने संस्कार हैं। भले ही हम मॉडर्न ज़माने में आगे खुली इजाजत भी दी है पंचायत खापों ने भी, अभी पीछे आपने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी और खबरों के माध्यम से बागपत में जैसे पंचायत हुई बड़ी भारी, लड़कियों पर जीन्स वगैरह का प्रतिबंध लगा, लेकिन वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और कई मामले ऐसे आते हैं समाज में कि भाई जो है ना इस तरह का हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो दोनों हैं, हम दो राय पर खड़ा है हमारा समाज। एक तरफ कानून कहता है कुछ भी करो, एक कोई गोत्र नहीं कहीं शादी करो, दूसरी तरफ हमारे संस्कार है, हमारे समाज है, एक ही गोत्र में साइंटिफिक तरीके से भी गलत है, और एक ही गोत्र में एक ही गांव में जो ना हमारा समाज अभी इन बातों की इजाजत नहीं देता। जी अब तो अभी दोबारा आऊंगा, बड़ी बात कही है कि साइंटिफिक तरीके तो अभी गलत से, और पहले भी यह बात प्रूव भी हुई है, पहले यह बात साबित भी हुई है कि साइंटिफिक तरीके तो एक ही गोत्र में अगर लड़का लड़की शादी करेंगे तो जो ब्रीड है, जो नस्ल है, वह भी बिगड़े हैं। और इसके अलावा सामाजिक ताने बाने की बात कही है कि भाई ये बात मानना है चौधरी कि दोरा है पर समाज खड़ा से, और क्यों खड़ा से, क्योंकि दोनों ही बड़े बात से हैं।
विक्रांत कौशिक बीजेपी कार्यकर्ता, समालखा हलके के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 23 तारीख को 8:15 बजे नज़दीक जीए कॉलेज किवाड़ा रोड पर पहुंचे। वहां हमारे ईमानदार और यशस्वी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके सादर सम्मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। धन्यवाद। सुनो भाया, ससुर जी के साथ हो गई दुर्घटना, दौड़ रहे थे फटाफट, दर्द हुआ घुटना। Don't worry baby, I mean भाभी, हर दर्द से लड़ने को रिलीफ एलआर है काफी, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, यू वांना गेट सम कॉफी। रताऊ, कल भेजा था मैंने इनको धूप में लाने राशन, सुबह से सर पकड़ के बैठे मुझको दे रहे भाषण, भगाओ मेरी जान छुड़ाओ। छोरे डोंट वरी, रिलीफ एलआर खिलाओ, हर दर्द भूल जाओ। बाबूजी, दर्द की क्या औकात जब लाडली रिलीफ एलआर हो साथ। हेलो, मैं ईएसआई से बोल रही हूँ, आका वीजा आ गया है। वीजा होल्ड ऑन, क्यों भी काका, तू कोई वीजा अप्लाई कीता है? जी, एम्बेसी फीस ऑफर लेटर। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਥੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਈਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ? ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਈਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾ ਦਈਏ ਫੇਰ ਰੌਣਾ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। लाओ बनवा दू कागज पत्र, मैं बनवा दू। क्या दफ्तर आई चक्कर काट काट कर। ताऊ 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 ताऊ, क्या है? के बनवाना है कि मैं मदद कर दू? तेरी टाई पे लटका रहा हूँ मैं, हट ले तू, अरे तेरी गुत्ती ना गरम कर दू मैं। अरे ताऊ, दाल गरम कर, रोटी गरम कर, पर किसी बिचौलिए की जेब गरम मत कर। हाथ के हाथ तेरे सारे कागज पत्र देगा। यो कौन? यो कंप्यूटर। इबना दफ्तरों में चप्पल घिसनी, ना कोई जेब गरम करनी। प्रमाण पत्र, फरज, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन और इसी 37 विभागों की 491 योजनाओं का लाभ इस अंत्योदय केंद्र से मिल जाता है। फर्क साफ है क्योंकि नीयत साफ है। सुपर हिट म्यूजिक, मोस्ट वांटेड सॉन्ग्स, बेस्ट ऑफ म्यूजिक शोज, अल्टीमेट स्टाइल, बस यही है पहचान पी ट्यून्स की। वॉच प्रीमियम पंजाबी म्यूजिक चैनल पी ट्यून्स, पंजाबी स्वैग। मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुला पर, जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद, 100 सालों का अटूट विश्वास, असली आयुर्वेद का कुशल अभ्यास, वैद्यनाथ असली आयुर्वेद पेश करते हैं हर्बल जूस, प्रकृति का अनमोल तोहफा। वैद्यनाथ जूस, रखे मस्त और तंदुरुस्त। वैद्यनाथ। एक बात तो कानून का हिसाब है, कानून बलाए इसने ठीक कहना हो, लेकिन सामाजिक बात करा, ताने बाने की बात करा, बिगड़ोड़ी बात से। पहलवान गांव देपालपुर, आतिल चौबीसी समाज सेवा समिति का महासचिव हूँ। ये करनाल के आज जो खबरें हमने अखबार के अंदर पढ़ी हैं, जो पंचायतों ने जो काम किया वो तो ठीक नहीं है, लेकिन कानून तौर पर तो इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। पहले हमारे समाज के अंदर 5 गोत छोड़े जाते थे, नानी तक के गोत को छोड़े, सिर्फ ब्रीड्स के लिए एक अच्छी नस्ल पैदा हो उसके लिए था। उसके बाद में फिर 500 के बजाय 3 गोत पर आ गए। एक दैया खाप की पंचायत हुई थी, उसके अंदर मैं भी शामिल था, क्योंकि हमारे नज़दीक दैया खाप और मलिक खाप दो बहुत बड़ी दोनों खाप हैं। उनके अंदर ये कह दिया था कि भाई दादी का गोत बेशक छोड़ दो, लेकिन दैया खाप और मलिक खाप की ये मजबूरी हो गई थी। बाकी पंचायतों का जो काम रहा, पंचायतों ने इस किस्म के फरमान नहीं करने चाहिए, कानून का ध्यान रखते हुए रखना चाहिए। और जो कानून की बात ऐसे आ गई, कानून में तो ऐसी बात कर दी कोई किसी से शादी करो, इससे हमारे संस्कार भी खत्म होते जा रहे हैं और जो मान मर्यादा है हमारी समाज की थी वो भी खत्म होती जा रही है। पंचायतों ने ये फैसले इस किस्म के नहीं लेने चाहिए,
कानून को ध्यान में रखते हुए कानूनी बात पर रखें, लेकिन समाज में एक संस्कारों की बहुत कमी है, जो हम संस्कार बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। उस संस्कारों की कमी से आजकल ये दिन प्रतिदिन ये घटनाएं ऊपर उठती जा रही हैं और समाज इसकी बुराइयों से पीछा छुड़ाता है। जगह जगह पर ये इस किस्म के केस होने लग रहे हैं, लेकिन समाज इस बुराइयों को दूर करने के लिए असमर्थ है, क्योंकि कानून दूसरी तरफ हिस्सा लेता है और समाज दूसरा है। हाँ जी बताओ, के मानो हो, यूथ हो आप, युवा हो, के मानना जी डाल के मामले आओ। भाई जी देखो, एक बात है, गलत है, एक गोत में शादी करना तो गलत है, पर कानून के साथ तो उनको चलना पड़ेगा। पंचायत हमारी संस्कार है, हमारा समाज है, हमारे समाज के साथ भी चलना चाहिए। कानून को हमें हाथ में लेना नहीं चाहिए, ये गलत बात हुई है सिर्फ। बिल्कुल, पंचायत ने कानून जब हाथ में लिया है, मार पिटाई भी करी है, मुंह काला करके जो है घुमाया है।